नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम डिस्कस करेंगे आज कुछ करंट अफेयर्स और उसी के साथ साथ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री आपने मेरे साथ डिस्कस की थी उसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे आप लोगों ने कितनी डेप्थ के साथ अभी पढ़ा है। उसका फुल फ्लेज एक फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, वो अभी नहीं है, ये सिर्फ एक सेट ऑफ एमसीक्यूज हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। क्या हाल चाल सभी के? बढ़िया हैं, मज़े आ रहे हैं? मौसम बहुत अच्छा हो रखा है आजकल, मज़े वैसे ही आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार बच्चे थोड़े से जुड़ जाएं फिर मैं स्टार्ट करूँगा। प्लीज़ शाबाश, प्लीज़ जल्दी से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बच्चों, मैं जो CDS चैनल है हमारा टीम अर्पित, उसके ऊपर मैं सोशल अवेकनिंग डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आ जाइए सोशल अवेकनिंग से। आप सभी को मालूम है, क्वेश्चन जरूर आता है जिसके अंदर स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जी और आपके राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, इन सब के वर्क से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आ जाता है। एजुकेशनल डेवलपमेंट्स कैसी हुई, सती को कब बैन किया गया, कब उसके ऊपर एक्ट आया, वुड डिस्पैच किया, ये सभी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्लास 4:15 पे होगी सोशल अवेकनिंग वाली, चैनल टीम अर्पित, ओके, इस चैनल पे नहीं, टीम अर्पित चैनल पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, लेकिन उससे पहले अनअकैडमी की बात करेंगे। दोस्तों आप सभी ने अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, आप सभी ने टाइम से पहले, एग्जाम से पहले अपने सभी डाउट्स के ऊपर एक पकड़ बना लेनी है। उसके लिए आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। दोस्तों लाइव क्लासेस के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। एक प्राइसिंग पेज दिखेगा जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर प्राइसिंग पेज में फॉर एग्जाम्पल आप 6 मंथ्स का ऑप्ट करते हैं, 6400 रुपीज़ इज़ द प्राइस, बट इसको हम डिस्काउंट दिलवा सकते हैं आपको। आपने एंटर करना है टीम अर्पित कैपिटल लेटर्स विदाउट स्पेस लाइक दिस। अप्लाई करेंगे यहाँ पर, रीएडजस्ट हो जाएगी प्राइसिंग 6400 की जगह 5760। इसके बाद आपको पे करना है और लाइव क्लास अटेंड करनी है। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको लाइव क्लास के बाद, PDF मिलेगा, फटाफट से डाउट क्लियर करके फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा अपने एग्जाम को। माय डियर फ्रेंड, टुडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, एंड आई एम डिस्कसिंग टू टॉपिक्स टुडे। वन इज एक्सोस्केलेटन टू बी डेवलप्ड बाय DRDO, आफ्टर दैट द बासमती राइस पेटेंट डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड टुमारो आई थिंक आई विल बी डिस्कसिंग द दैट सदर्न सी अंटार्कटिका के आसपास, और उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे ब्लैक मार्केटिंग के अंदर, एक जो डार्क वेब है वो क्या चीज़ होती है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पैम मत करो, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। चले दोस्तों, पहला है हमारे पास फ्यूचर। ये जो डाटा जितना भी मैंने उठाया है, ये स्टेटमेंट DRDO से ही उठाई है, DRDO की वेबसाइट से, तो इसके अंदर कुछ भी हम ब्रैगिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रैग करने ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आप सभी के सामने। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, फ्यूचर इंडियन आर्मी या फ्यूचर इंडिया आर्मी सोल्जर्स टू बी टर्न इनटू सुपर वॉरियर। ये DRDO का कहना है कि इंडिया के जो सुपर सोल्जर होंगे, जो सोल्जर हैं इंडियन आर्मी के, वो सुपर वॉरियर की तरह हम उनको एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अभी तो बोर्ड करेंगे तभी NDA के लिए आप एलिजिबल होंगे ना, तो पहले बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। यस, चलिए। मेजर कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लुकिंग एट द एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी। उससे होता क्या है, जो बर्डन है कैरी करने का, वेपन्स कैरी करने का, लोड कैरी करने का, कुछ जो आपकी आर्मी है दूसरे वर्ल्ड की, दूसरे कंट्रीज की, वो AI का अप्लाई भी कर रहे हैं। अभी जो मेरे पास स्टेटमेंट है इसके अंदर AI का कहीं पर जो यूज़ है फिलहाल के लिए नहीं आया। अभी एक्सोस्केलेटन डेवलप करना है, उसको AI के साथ कैसे मैच करेंगे, उसको कैसे कन्फिगर करेंगे, वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो DRDO ने अभी क्या बोला है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अब नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर, माई डिफरेंट एक्सोस्केलेटन के ऊपर बात कर रहे हैं। एक्सोस्फेयर आपने पढ़ा है, इट मीन्स आउटर, एंड स्केलेटन जिसके ऊपर हमारी बॉडी, जिस वजह से चलती है, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन इट मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो हम एक स्ट्रैप ऑन की तरह या एक रैप कर सकते हैं, अपने बॉडी के साथ अटैच कर सकते हैं, और वो सारा का सारा बर्डन वही करेगी। वो इस तरह से अटैच होगा कि जैसे जैसे हमारी मूवमेंट होगी बॉडी की, वैसे ही वो सूट भी चलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर होगा क्या। हेलमेट्स हैं,
रेडियोज़, नाइट विजन गॉगल्स एंड बॉडी आर्मर, ये सब कुछ एग्जोस्केलेटन के अंदर होगा जो डीआरडीओ डेवलप कर रही है फॉर द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी सुपर वॉरियर्स बन जाएंगे, सुपर वॉरियर्स। एक तो ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, जो स्पेशल फोर्सेस हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, उनको अगर एग्जोस्केलेटन बन गया तो अनबीटेबल हो जाएंगे वो। एक बार समझने के लिए देखते हैं कि क्या है, थोड़ा सा मदद लेनी होगी यूट्यूब की। चलिए देखते हैं एक बार, बस चल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए जो आर्मर्स इन्होंने पहन रखे हैं, ये देखिए जो बॉडी आर्मर जो इन्होंने साथ में अटैच किया हुआ है, इसको एग्जोस्केलेटन है, ये इंडियन आर्मी के लिए डीआरडीओ डेवलप कर रही है। ये आई होप आप सभी देख पा रहे हैं क्लियरली, दिस सूट इज द एग्जोस्केलेटन सूट, राइट? यू कैन सी इट क्लियरली कि कितना मैनूवर्स बढ़ रहा है आपके सोल्जर्स का। और इसी के साथ साथ देखिए आर्मर्स जो है वो आपके वेपन्स भी अटैच है उसके साथ। फिलहाल ऐसा नहीं है इसके अंदर, फिलहाल जो डीआरडीओ आपको प्रोवाइड कर रही है इज द गॉगल्स, नाइट विजन कैमरास, योर बॉडी आर्मर्स, रेडियो एंड हेलमेट्स, ठीक है? अभी उसके अंदर एआई का कोई अडॉप्शन नहीं है, ये अभी तक नहीं आया है, ठीक है? तो एग्जोस्केलेटन क्या है, एक सूट है जिसको पहना जाएगा और वो क्या करेगा, जो आपकी ड्यूरेबिलिटी है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है? उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ये डीआरडीओ इसने अभी 4-5 days पहले ही ये स्टेटमेंट दिया है, तो ये रियलिटी के अंदर है। अ सोल्जर विद एन एग्जोस्केलेटन इज़ कैपेबल ऑफ फास्टर मूवमेंट, जैसे कि अभी ये देखा भी था आपने, टॉम क्रूज गिर के एकदम से उठ गए थे, ठीक है? और एक्स्ट्रा लोड बेरिंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज कर देगा। अब आई थिंक आप लोगों ने मूवीज तो बहुत देखी हैं, लेकिन आपने ये जो हमारा सिनेमा होता है वो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, ये बात आप सभी को आप सभी जानते हैं। तो जो भी हमने देखा है वो रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होगा, या फिर ये किसी ना किसी का आइडिया होगा और इसको एक रियल पिक्चर देने की पूरी कोशिश की गई है। एक बार ये भी देखिए, यहाँ पर एआई का पूरा यूज़ है इस सूट के अंदर, इससे पहले वाला जो सूट था उसके अंदर एआई का यूज़ नहीं था। चाइना के पास है, इंडिया के जो सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी को भी सुपर वॉरियर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर एआई का एडॉप्शन करेंगे तो वो हमारे सेंसेस से भी चलेगा, ठीक है? लेकिन अभी नहीं है ऐसा। एक बार देख लीजिए, यस, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में बीच में। तो दिस इज एक्चुअली एग्जोस्केलेटन, लेकिन ये पूरा आर्मर्ड है, ठीक है? पूरा आर्मर्ड है, लेकिन जो इंडियन आर्मी का है, वो जो टॉम क्रूज का भी दिखाया था, वो उसमें ज़्यादा फिट बैठता है जो इंडियन आर्मी अभी डेवलप कर रही है, ठीक है जी? तो देखते हैं कौन कौन सी एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व है। डीआरडीओ एक इन्वॉल्व है इसके साथ, इसी के साथ डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी DEBEL इसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये काम करेंगी आपकी मस्कोस्केलेटन पार्ट्स फॉर अ वाइल, एंड डिफेंस मिनिस्ट्री इज ऑलरेडी इनक्योरिंग एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडिंग वेरेबल गेयर ऑन ईच सोल्जर्स टू मीट द एवर चेंजिंग कॉम्बैट एनवायरनमेंट चैलेंजेस। और इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उसके अंदर ऑल ऑफ अ सडन कितना ज़्यादा वेरिएशंस आ जाती है टेम्परेचर के अंदर, तो बॉडी एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाती है। तो इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ज़्यादा बजट एलोकेट किया है डीआरडीओ को और DEBEL को, जिससे कि एक ऐसा सूट मिले इंडियन आर्मी को जिससे उसकी जो मैनूवर्स हैं वो बढ़ जाए, जो उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, इसी के साथ साथ उसके मूवमेंट के अंदर भी चेंजेस आए, राइट? जो हाईएस्ट बैटल फील्ड है इंडिया में, और आप सभी को मालूम है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी बनती है कि ऐसा कुछ आए और इंडियन सोल्जर्स को ये सब मिले। माय डियर फ्रेंड, इसकी लाइफ कितनी है, तो थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। 100 kg की कैपेसिटी, 100 kg कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ा देगा ये, और 8 hours का इसका ऑपरेशनल टाइम होगा। इट मीन्स जो इसके मूवमेंट है, जो गेयर्स है, वो मैकेनिकल होंगे, है ना? 8 hours का इसका लाइफ है, ठीक है?
बैटरी बैकअप भी है इसकी। बेनिफिट क्या है, एन एक्सो सूट रिगर्ड अप द सोल्जर इज एक्सपेक्टेड टू हैंड्स। अब माय डियर फ्रेंड ये सिंपल सी बात, हमने अभी देखा कि 100 किलो कैरी कर सकते हैं। हंड्रेड केजी कैरी कर सकते हैं आप। बैटमैन को भी देख सकते हैं इसके अंदर, है ना। बैटमैन देख लीजिए, कैप्टन अमेरिका देख लीजिए आप, वंडर वुमेन देख लीजिए आप, और क्या है, मैं कम जानता हूँ लेकिन आप लोग ज़्यादा जानते हैं, हर हर महादेव। तो ये सारी की सारी थिंकिंग एक्चुअली हमारा जो सिनेमा है, हमारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्लोबल वर्ल्ड है आजकल, सब कुछ चल रहा है। अमेरिकन बैठ के इंडियन मूवीज़ के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, इंडियन नेटफ्लिक्स पे अमेरिकन मूवीज़ देख रहे हैं, तो सब कुछ ग्लोबल है, सब कुछ एक हो रखा है इस टाइम पर, ठीक है। तो जो आदान प्रदान हो रहा है आइडियाज़ का, वो खुल के हो रहा है, तो वहीं से अच्छा। और उसी के साथ साथ रशिया और अमेरिका, ये एक आपके पास टास्क है कि अमेरिका का एग्जोसूट किस नाम से है और रशिया का और अमेरिका किस किस नाम से है, उनका एग्जोसूट एक बार देख लेंगे आप लोग, और इंडिया का क्या उन मैच करेगा, तो एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर जो पेट्रोलिंग है उसके आसानी होगी स्नो वगैरह पर चलने की, फैटीग कम होगी क्योंकि ऑब्वियसली कैरी लोड तो सारा का सारा एग्जोस्केलेटन उठा रहा है ना, आपकी मूवमेंट को कैरी कर रहा है वो, मतलब कैपेबल बना रहा है आपको ज़्यादा चलने के लिए। उसी के साथ साथ एक ऑक्सीजन क्लाइमेट जो है, थिन ऑक्सीजन क्लाइमेट में आप फैटीग हो जाते हैं, तो मदद करेगा आपकी सांस ना चढ़े, आपकी मूवमेंट को कैरी करेगा योर दिस एग्जोस्केलेटन, ठीक है जी। डन। ये कौन सा बैच है, ये योद्धा बैच है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। मैंने हालांकि ना बैटमैन वाला भी लिंक डाला था, फिर बीच में ना वो लेडी बैटमैन भी आ गई थी, तो फिर मैंने हटा दिया उसको, ठीक है। चलिए अभिषेक कुमार जी, माय डियर फ्रेंड आप सभी को मालूम है बासमती राइस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न पार्ट, इट मींस पाकिस्तान और इंडिया के एलुवियल सोइल के अंदर बासमती राइस उगता है। लॉन्ग ग्रेन्ड जो चावल होता है, लंबे दाने। हालांकि कई लोग कहते हैं कि बिरयानी जो बनती है वो बासमती की बनती है, नहीं, बिरयानी जो बनती है वो सैला चावल की बढ़िया बनती है, ठीक है, जो पक्का चावल होता है उसकी। लेकिन बासमती राइस की एक का अरोमा बहुत है, काफ़ी लोगों का स्टेपल फूड है, एक एक उसको हम लाइफस्टाइल के साथ भी जोड़ के चलते हैं, पुलाव वगैरह काफ़ी बनते हैं हर एक रिलीजन के अंदर, हर एक रीजन के अंदर कुछ ना कुछ कुजीन ऐसी है जो फेमस है, जैसे कश्मीरी पुलाव है, फिर आप थोड़ा लखनऊ की तरफ आ जाइए, इधर हरियाणा पंजाब में आ जाइए, तो कुछ ना कुछ आपको बढ़िया खाने को मिलेगा। और वहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बासमती का बहुत अच्छा रोल है, मेरे मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि मेरे आंखों के सामने जो विजुअल्स है, राजमा चावल घूम गए। चलिए, आप हरियाणा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अम्बाला से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में तरौड़ी, आपका नीलोखेड़ी, करनाल, यहाँ पर आउटलेट्स भी आते हैं, है ना, आउटलेट्स आते हैं, तो यहाँ पर आपको राइस की वैरायटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको वैरायटी ही दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन सी वैरायटी होती है, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो द मेन वैरायटी ऑफ बासमती राइस हैज नोटिफाइड अंडर द सीड एक्ट 1966। होते हैं बिल्कुल PYQs, रिपीट होते हैं माय डियर फ्रेंड, एग्जाम टू एग्जाम भी वो स्विच हो जाते हैं, CDS वाले NDA में भी चले जाते हैं, NDA वाले CDS में भी आ जाते हैं, सिविल सर्विसेज वाले CDS में आ जाते हैं, होते हैं स्विच, यस राइट। कितनी इयर्स लग जाएंगे माय डियर फ्रेंड, ये तो आपके फंडिंग के ऊपर और रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है, बट मोस्ट प्रोबली 2022 के लास्ट तक वो आ सकता है, राइट। चलिए, हाँ, तो वैरायटी ऑफ जो बासमती है उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। बासमती 1509, शरबती बासमती 386, बासमती 217, रणबीर, करनाल, तरावड़ी बासमती 370 टाइप 3, जिसको हम देहरादूनी बासमती के नाम से जानते हैं, पूसा बासमती इज़ क्वाइट फेमस, पंजाब, कस्तूरी, माही, ये सारे के सारे बासमती की वैरायटीज़ हैं। अगर आप हैरान हो रहे हैं कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो माय डियर फ्रेंड आप शायद नहीं जानते, आइए कोई बात नहीं, कि चाहे काउ की वैरायटी हो, चाहे बफेलो की हो, चाहे गोट की हो, शिप की हो, ये आपके जो भी न्यूज़ में कुछ भी चीज़ रहेगी, फूड ग्रेन्स तक भी हो, उसका जो भी न्यूज़ में रहेगा UPSC वो पूछ लेते हैं,
मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पूसा इज अ वैरायटी ऑफ दिस बासमती राइस, इसी के साथ साथ कस्तूरी, माही और एक इम्पोर्टेंट था शरबती। ये चार वैरायटी को जरूर आप पढ़ के जाइएगा कि ये बासमती की वैरायटी है, क्योंकि जैसे कि आपकी मुर्रा जो मज होती है, जो आपकी बफेलो है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मुर्रा क्या है, आपकी मुर्रा के साथ साथ एक और होती है नागौरी कौन सी है, काओ कौन सी है, ये सब वैरायटी पूछता है यूपीएससी, काफ़ी रेयर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ में है, इंडिया पाकिस्तान एक के बीच का डिस्प्यूट है और ये ईयू के अंदर है, ये क्या कहते केस गया हुआ है, तो ये आ सकता है। अब ये केस क्या है मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पर सुपर बासमती नहीं सुना, सुपर बासमती नाम नहीं सुना। अब ये सुपर बासमती राइस, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन पेटेंट इंडिया ने अर्जी डाली है कि ये पेटेंट इसको मिल जाए, PGI प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आई एम गुड माय डियर फ्रेंड। हाँ जी हाँ जी, इसके ऊपर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसने बोला कि सुपर बासमती राइस आपका अकेले का नहीं है, पाकिस्तान में भी ये होता है और इंडिया वहाँ से ही सीड लाकर उसको मॉडिफाई किया और आपने उसको सुपर नाम दिया और आपने पूरा यूरोप में बेचने का पूरी की पूरी अथॉरिटी आपने ले ली है। तो यहाँ के एक्सपोर्टर्स, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर सप्लायर आपका इंडिया ही है बासमती राइस का, सेकंड नंबर पे आपका पाकिस्तान आता है क्योंकि उस रीजन में भी काफ़ी उगती है बासमती वैरायटी। अब हुआ क्या, पाकिस्तान ने ये बोला है, साहिवाल, यस साहिवाल, अच्छा पाकिस्तान ने ये बोला है कि ये सिर्फ इंडिया के रीजन का पेटेंट नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन है। इंडिया ने बोला है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्टर्स मेरे पास हैं तो मैं ये एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन लूँगा जिससे कि एक्सपोर्टर्स को काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये एक डिस्प्यूट बीच में चल रहा है और ये डिस्प्यूट यूरोपियन यूनियन के काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फूड स्टफ्स, उसके पास ये चला गया है, यूरोपियन यूनियन के पास ये केस चला गया है और पाकिस्तान ने बोला है कि नहीं, इंडिया को ना मिले, नहीं तो मेरे एक्सपोर्टर्स को भी घाटा हो जाएगा। एक बार डाटा की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, देखते हैं क्या है। बासमती यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दी है आपको कहाँ कहाँ उगता है, तो इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में माय डियर फ्रेंड, आपके फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस में, जहाँ पर आपका HP पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, UP, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर आता है और उसी के साथ कलार रीजन होता है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान में झेलम सतलज के बीच में, झेलम और रावी के बीच में एक कलार रीजन है, वहाँ पर भी बासमती उगता है और पाकिस्तान वहाँ पर अपना बासमती उगाता है। तो ये दोआब रीजन में या फिर अलूवियल ट्रैक्ट्स में उगता है, अलूवियल ट्रैक्ट्स जहाँ पर वाटर रिटेन कैपेसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर चावल उगाया जाता है और ये कलार ट्रैक्ट पाकिस्तान में है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो और PGI की फुल फॉर्म प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, किस प्रोडक्ट के ऊपर है, ये बासमती राइस के ऊपर है। बासमती राइस की कौन सी वैरायटी, सुपर बासमती, किन पार्टीज़ के बीच में, इंडिया पाकिस्तान, किस चीज़ को लेकर कि ये पेटेंट इंडिया को मिलना चाहिए, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन दिया। इंडिया का क्या क्लेम है कि मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हूँ बासमती राइस का, ये प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मुझे मिलना चाहिए, मेरे एक्सपोर्टर्स का सिक्योर होना चाहिए बेनिफिट, ठीक है। और पाकिस्तान ने बोला है कि नहीं, मेरे जो सप्लायर्स हैं फिर उनको घाटा हो जाएगा और यहाँ से उगता है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह खो दी गई। और ये जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की बात है किसी भी फूड स्टफ के ऊपर या फूड ग्रेन के ऊपर, या अमेरिका के साथ भी काफ़ी हमारे 1980s में काफ़ी वॉर चली थी पेटेंट के पीछे, ठीक है। चलिए अब ये करता क्या माय डियर फ्रेंड, एक बार ये देखते हैं। इंडियन दार्जिलिंग को भी मिला हुआ है जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, वो दार्जिलिंग टी को भी मिला हुआ है, कॉफ़ी फ्रॉम कोलंबिया उसको भी मिला हुआ है, एंड फ्रेंच हैम्स उसने भी सिक्योर किया हुआ है, हैमबर्गर्स, ठीक है। चल रहा हूँ, बात तो सुन लो पहले, समझ लो, कैसे करोगे यार ऐसे। इट डिफर्स फ्रॉम द प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन,
एक पीजीआई होता है, एक होता है पीडीओ। पीडीओ है आपका प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन, प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन, ठीक है जी। प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन जहाँ पर उगता है उस एरिया को ही सिक्योर कर दिया जाता है, वहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सबको बेनिफिट मिलता है। और ये जो आपका प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, इसके अंदर एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये करता क्या माई फ्रेंड, ये आपको एक लीगल गारंटी देता है ताकि इसको इमिटेट ना किया जाए या फिर मिसयूज ना किया जाए। कल को ब्लैक मार्केटिंग हो जाए, कोई कंट्री सिक्योर कर ले, सारा का सारा गोदाम भर ले अपना, और फिर जब डिमांड बढ़े तो वो कंट्री बेचने लग जाए, कम दामों पर ही बेचे बेशक, ठीक है। तो क्या होगा, इंडिया से तो छिन जाएगा ना, कि बासमती इंडिया से आता है वो, फिर हमारी जो एक पहचान है, रिकग्निशन है, वो खो जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि पीजीआई, इट द प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इमिटेशन से बचाता है आपको, एक लीगल सिक्योरिटी देता है आपको, एक्सपोर्टर सप्लायर्स प्रोड्यूसर जो भी है उनको एक आइडेंटिटी देता है, ताकि वर्ल्ड ओवर फेम मिले उन्हें और उनकी कमाई भी अच्छी हो, ठीक है जी। चलिए, बस यही तो नहीं करना था, ठीक है जी। इंडिया इज द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, कितना रुपीज 680 करोड़ एनुअल अर्निंग है, और उसी टाइम पर पाकिस्तान फोर्थ पोजीशन पे, मैंने सेकंड बोला था, आई एम सॉरी, फोर्थ पे है 220 करोड़। आपका लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वहाँ भी काफ़ी चावल उगता है, तो वो भी लिस्ट में हो सकते हैं। द टू कंट्रीज आर द ओनली ग्लोबल एक्सपोर्टर्स ऑफ बासमती, बासमती सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं। वैरायटी के अंदर आपने जानना है तो माय डियर फ्रेंड, आपका शरबती, आपका कस्तूरी, माही और पूसा, ये प्लीज़ याद रखेंगे, इंडिया के पेटेंट है वर्ल्ड ओवर बासमती के। और अभी जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है सुपर बासमती के ऊपर, सुपर, ठीक है, ये सुपर वर्ड के ऊपर ही लड़ाई चल रही है बस। चलें आगे, चलिए एमसीक्यू टाइम आ गया, एमसीक्यू जरा देखूं कितने आप लोग रेडी हैं। कुछ क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन है, नोट्स हैं, और बाकी बाद में नहीं है, ठीक है। चलिए, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड अ मिशन नेम शील्ड, कौन सी स्पेस एजेंसी ने शील्ड के नाम से मिशन लॉन्च किया है, नासा ने, इसरो ने, ईएसए ने, रॉसकॉस्मोस ने, हाँ जी। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन गुरशन इसलिए पूछता है कि वो आप कितने एंगेज हैं वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर, जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है, कितने एंगेज हैं, आपने कितनी डेप्थ के साथ उनको पढ़ा, इसलिए यूपीएससी को पूछता है। और यूपीएससी का काम ही है सिर्फ और सिर्फ आपका इनसाइट जानना, और क्या, ठीक है, कि हाउ कैपेबल यू आर ना, बस डेट्स इट, इसलिए पूछता है। आई होप यू एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, I hope you guys are having a good time. If not, then create one, right? Please like, subscribe, like this video and subscribe to the channel. चलिए जी, हाँ जी, द अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, उसने रिसेंटली लॉन्च किया है एक मिशन जिसका नाम है शील्ड, जिसकी फुल फॉर्म है स्पार्टियल हेट्रोडाइन, अरे बड़ा लंबा सा नाम है, इंटरफेरोमेट्रिक एमिशन लाइन डायनामिक स्पेक्ट्रोमीटर, काफी लंबा है। दिस मिशन एम्स टू स्टडी लाइट फ्रॉम इंटरस्टेलर पार्टिकल्स विच हैव ड्रिफ्टेड इनटू द सोलर सिस्टम टू लर्न मोर अबाउट द क्लोजेस्ट रीच ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस। इसमें इट मींस ये डार्क मैटर्स को पढ़ना चाह रहा है, और रेड स्पेक्ट्रम एंड ब्लू स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए शील्ड मिशन इसने लॉन्च किया है, नासा ने, शील्ड, ठीक है जी। Which country has been validated by the World Health Organization for having eliminated trachoma? Trachoma kya hai is actually eye disease. Agar, aur ye communicable bhi hai. Communicate kaise hogi? Agar aap kisi ki infected towel istemal kar lenge, usse baat karein, close contact mein rahenge, to aap bhi blind ho sakte hain. To trachoma ek eye disease hai. Usko eliminate kiya hai kis African country ne? Aapne batana hai. गाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, चैड, जय हिंद। फार्म बिल तो एक्ट बन गया है ना, फार्म एक्ट बन गया, लेकिन वो अब चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर अभी वो
मतलब पटिशन है, तो इसलिए वो सस्पेंडेड है अभी। ठीक है, अगर अभी आप बोर्ड कर रहे हैं तो भाई फिर तो बोर्ड ही इम्पोर्टेंट है ना। 4 एक्सेंट में बात हो रही है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। विच कंट्री हैव बिन एक्सेंट? यस सर। विच कंट्री हैज बिन वैलिडेटेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर हैविंग एलिमिनेटेड ट्राइकोना? हाँ जी, किस कंट्री ने? गाम्बिया। यस, गाम्बिया ने अपनी लैंड से, ये सेकंड कंट्री है गाम्बिया अफ्रीका में जिसने कि ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है। इट मींस उसने वैक्सीन या फिर अपने आई ड्रॉप्स या मेडिसिन ऐसी क्रिएट कर ली है जिस बैक्टीरिया से ये ट्रैकोमा होता है उसको एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, तो चैड इज द सेकंड कंट्री, पहली, सॉरी गाम्बिया इज द सेकंड कंट्री, द फर्स्ट वन आई थिंक इज योर, यस, कॉप डी आइवरी। कॉप डी आइवरी इज द फर्स्ट टू अचीव द फीट। तो गाम्बिया इज द राइट आंसर। ट्रैकोमा एसोसिएटेड विद द गाम्बिया एंड वर्ल्ड हेल्थ। ट्रैकोमा एक्चुअली क्या है? आई डिजीज है। ठीक है, ब्लाइंडनेस हो जाती है अगर ध्यान ना रखा जाए। ठीक है, अब आंसर छुपा दिए मैंने, अब दीजिए जवाब। एज पर द रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ द RBI, विच इज द टेन्योर फॉर विच द फाइनेंशियल एंटिटीज मस्ट अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स? यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा आपको इजी कर दूँ। फाइनेंशियल एंटिटीज, आपके बैंक्स, आपके NBFC, इंक्लूडिंग दी योर हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, लेकिन इसमें से एक्सक्लूड किया हुआ है आपके RRBs को। RRBs को मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सारे फाइनेंशियल एंटिटीज को मैंडेटरी है कि आप सभी ने अपने एडिटर्स, सॉरी ऑडिटर्स को, इट मीन्स आपने लेखा झोंका विभाग मजबूत करना है। तो कितने साल के लिए उन्होंने अपॉइंट करना है ये बताइए आप। थ्री इयर्स द एग्जैक्ट एंड द राइट आंसर, 3 years। तो RBI ने गाइडलाइंस दी है फाइनेंशियल एंटिटीज इंक्लूडिंग द बैंक्स, द NBFCs एंड द हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस डैट यू मस्ट अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स, इन हाउस ऑडिटर्स, सो डैट कुछ भी केस लॉन्ग रन में ना जाए। अगर कुछ केस होता है, कुछ फ्रॉड होता है, तो इन हाउस ही उसकी उसको सोल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो ये 3 years के लिए ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाएगा। दिस वन इज अ वेरी गुड मूव, अगर वो भी वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, एक ऑम्बुड्समैन की तरह रहेंगे, तो अदरवाइज नहीं। ठीक है, वॉट इज द नेम ऑफ द ओडिया एंड द इंग्लिश राइटर एंड द पद्म भूषण अवॉर्डी हु पास्ड अवे रिसेंटली? एक ऑबिचुरी का क्वेश्चन है। ओडिया साहित्य की काफ़ी उन्होंने रचनाएं करी और पद्म भूषण भी मिला है और ओडिशा सरकार की तरफ से भी काफ़ी साहित्य अवार्ड्स भी मिले हैं। सो द नेम, नई एंशियंट हिस्ट्री की अमनेंद्र तोमर जी मैं दे चुका हूँ, प्लीज चेक रैंकर्स पोर्टल, रैंकर्स पोर्टल, ठीक है, इस टेलीग्राम पे मिल गई है। अगर फिर भी मैं एक बार दोबारा रीशेयर कर दूंगा, वैसे मैं दे चुका हूँ। ठीक है, प्रश्न बहुत प्रश्न है, इतना ज्यादा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए माय डियर फ्रेंड, द नेम ऑफ द ओडिया एंड द इंग्लिश राइटर इज हु पास्ड अवे रिसेंटली, मनोज दास। ठीक है, चलिए, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI इज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इन्होंने किया क्या है? इन हाउस या फिर हम ये कह सकते हैं अटैच्ड, एक स्मॉल यूनिट्स बनाई है विच आर अटैच्ड विद द ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, तो लव यू टू माई डियर फ्रेंड, मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी। तो कहाँ पर है ये आपका CMERI, जिसने यूनिट्स बनाई है ऑक्सीजन सप्लाई, उसी के इन बिल्ट है उसके। ठीक है, अलग से इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागने की जरूरत नहीं है। जितना यूज़ होगा उतना पता रहेगा और इंडिकेशन भी मिल जाएगा कि ये ख़त्म हो रहा है, वक्त से पहले तैयारी कर लो, है ना, कि किसने बनाया है। अरे ड्रीम IF, अच्छा नवीन देसवा, नई नई ID से कनेक्ट कर रहे हो,
चलिए हमारे फ्रेंड, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपके वेस्ट बंगाल में, राइट? वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर. वेस्ट बंगाल माय डियर फ्रेंड, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर. चलें आगे. व्हाट इज द नेम ऑफ एरोस्पेस कंपनी ओन्ड बाय बिलियनियर जेफ बेजोस? एक बिलियनियर को क्या बोले, करोड़पति बोलेंगे, अरबपति बोलेंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम ना, देखिए इसीलिए पूछ रहा हूँ. तो जेफ बेजोस एक आई थिंक अरबपति बोलेंगे ना, हाँ. तो उसकी एक एरोस्पेस कंपनी है, उसका क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, अमेजोनिया या फिर ड्रैगन? इसने क्या किया है अभी, एक जो ऑर्बिटल टूर है या ट्रैवलिंग है उसके लिए एक स्पेस क्राफ्ट भी बनाया है, और एक कंपनी भी है इसकी जो कि इंटर ऑर्बिटल ट्रांसपोर्ट आपको करवाएंगे, आई मीन आपको घुमा कर लाएंगे ये हैं ट्रैवलिंग के लिए. तो बेजोस, जेफ बेजोस की कौन सी है कंपनी माय डियर फ्रेंड्स? अरे आप सभी को मालूम है यार, जबरदस्त. ब्लू ओरिजिन इज द राइट आंसर. जाइंट वुड मॉथ, जाइंट वुड मॉथ वो होता ना मॉथ, पेड़ों पे देख लेते हैं आप जो है ना. द हैवीएस्ट मॉथ इन द वर्ल्ड आर टिपिकल फाउंड इन विच कंट्री? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना. तो जाइंट वुड मॉथ बेसिकली किस कंपनी का ओरिजिनली वहां पर मिलते हैं वो? तीन लोग जा रहे हैं उसमें, बढ़िया है यार. बहुत बढ़िया. सिर्फ जेफ बेजोस तो आपको स्पेस में लेकर जा रहे हैं, मार्स के ऊपर कॉलोनीज काटने की बात कर रहे हैं एक दूसरे वहाँ के बिलियनियर ही हैं आपके एलॉन मस्क, वो भी चल रहे हैं. हाँ जी, जायंट वुड मॉथ कौन से, एक हैवीएस्ट मॉथ इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री के साथ ताल्लुक रखते हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ रखते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. चलिए, परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट पेस्को इज अ डिफेंस इनिशिएटिव ऑफ विच एसोसिएशन? परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन, पेस्को एक डिफेंस एग्रीमेंट हम कह सकते हैं, मैकेनिज्म कह सकते हैं, इनिशिएटिव कह सकते हैं, G20 का है, G7 का, यूरोपियन यूनियन का, या फिर एशियान का है माय डियर फ्रेंड? PDF भी मिलेगा, ढेर सारा प्यार भी मिलेगा, ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलेगा. आप लोग पॉजिटिव रहिए, आप लोग जुड़े रहिए, और क्या चाहिए, है ना. चलिए, एंशियंट हिस्ट्री का मॉक टेस्ट आई विल बी टेकिंग आफ्टर सम टाइम, एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग. और मैं मेडिवल और एंशियंट एंड योर मॉडर्न तीनों का एक कंबाइंड लूँगा, तो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट कि आपके पास अभी मेडिवल एंड हिस्ट्री का मैराथन भी आना है, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैराथन आना है, बट आफ्टर द पॉलिटी मैराथन. ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन के अंदर नाटो अलायंस जितनी भी योर कंट्रीज हैं, एक इजी कनेक्टिविटी, एक इजी मनूवर्स के लिए, एक इजी डिप्लॉयमेंट के लिए ये बनाया गया परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेशन पेस्को, जिसके अंदर जो नाटो एक जगह से दूसरी जगह जाने में डिले हो जाती है या फिर हिंड्रांसिस फेस करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द नॉन सिग्नेटरीज मेंबर जो बीच में आ जाते हैं, तो उसके लिए बनाया गया है आपका परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेशन बाय द यूरोपियन यूनियन माय डियर फ्रेंड, ठीक है, बाय द यूरोपियन यूनियन, ठीक. चले, ये आ गए हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, इसका देना है आप लोगों ने जवाब, और बहुत ही बेखौफ होकर देना है, दमदार तरीके से देना है. मनिंदर वन द फेमस इंडो ग्रीक रूलर, मनिंदर मैंने बताया था आपको, मिलिंदा पन्नो जिसने बुक भी लिखी थी बुद्धिस्ट, ये बन गया था बाद में, इंडो सिंथियस था ये, ठीक है. सेट अप हिज कैपिटल इन विच प्लेस? सियालकोट, पठानकोट, राजकोट या फिर सेल्दा एक्सप्रेस? हाँ जी,
तो मनिंदर की कैपिटल कौन सी थी माय डियर फ्रेंड? अब ये इजीली आप लोग बता सकते हैं कि वो एंटर कहाँ से हुआ था और जो कैपिटल वहाँ पर किसी रिवर के आसपास हो है? सियालकोट, जबरदस्त, सियालकोट इज द राइट आंसर। मनिंदर की कैपिटल सियालकोट। द रूलर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र? देवपुत्र का टाइटल किसने अडॉप्ट किया था? मौर्याज, सुंगाज, कुशान या फिर जो आपके साकस थे या फिर वेस्टर्न सत्रैप्स के नाम से जिनको जाना जाता है। राजकोट तो राजस्थान में है ना, वो एंटर राजस्थान से नहीं किया था, डेजर्ट क्रॉस करके क्यों आएगा वो? देवपुत्र का टाइटल कनिष्क ने, जो कि कुषाण डायनेस्टी का ही रूलर था, तो कुषाण इज द राइट आंसर। देवपुत्र का टाइटल देवपुत्र, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग हुज रेन महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस? अब ये कह रहे हैं महायान हीनयान कब बने थे, तो किसके टाइम पीरियड में बने थे? अशोका के, कनिष्क के, अजातशत्रु के या फिर नाग अर्जुना के? गुजरात में, राजकोट, हाँ सॉरी गुजरात में, आई एम सॉरी। बताइए दोस्तों फटाफट, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म किसके टाइम पर आया था? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, नागार्जुन? फोर्थ, हाँ यस, आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड, गुजरात में है, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने राजस्थान बोल दिया, आई एम सो सॉरी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में हुई थी? उसी के टाइम पर हीनयान महायान बना था, 78 AD। माय डियर फ्रेंड्स, कनिष्क ना, हीनयान महायान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बने थे? नहीं, अशोक के टाइम पर त्रिपिटका कंपाइल होकर एक बनाई थी, ठीक है, हीनयान महायान कनिष्क के टाइम पर, यस। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीर अटेन कैवल्या? कौन से रिवर के पास महायान ने, सॉरी आपके महावीर ने कैवल्या अटेन करा था? निरंजना, ऋजुपलिका, यमुना या फिर जमुना? जमुना इज एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश ना, डेट्स वाई दे कॉल गंगा जमुनी तहजीब, बिकॉज दे आर मिक्सिंग ईस्ट एंड द वेस्ट, नॉट टोटल वेस्ट बट सम पार्ट ऑफ द वेस्ट, हाईली पॉपुलेटेड एरिया पुराने टाइम पर, अब तो पॉपुलेशन एक जैसी लग रही है हर जगह पर, जहाँ जाओ वहीं पॉपुलेशन। तो कौन सी नदी के किनारे बैठकर महावीर ने कैवल्या अटेन किया था? कैवल्या क्या होता है आपका? एनलाइटमेंट, नहीं फर्स्ट क्लास नहीं है, काफी होती रहती क्लास, हफ्ते में एक दो तो हो ही जाते हैं करंट अफेयर। तो माय डियर फ्रेंड, निरंजना रिवर इज द राइट आंसर, निरंजना, ठीक है, निरंजना, नहीं यमुना किनारे नहीं लिया था, दिल्ली नहीं आए थे वो, हरियाणा दिल्ली नहीं, यहाँ नहीं आए थे, यमुना यूपी साइड, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी नहीं आए थे, ठीक है, निरंजना रिवर। चलिए माय डियर फ्रेंड, व्हाट वाज द फिफ्थ टेनेंट एडेड बाय द तीर्थंकर महावीरा टू द फोर बेसिक टेनेंट्स ऑफ जैनिज्म? ये एक पूछ रहा है कि कौन से एलिमेंट 24 तीर्थंकर जो थे आपके महावीर, उन्होंने ऐड किया था, ठीक है। तो नॉन इंजरी इट मींस नॉन वायलेंस, नो लाइंग इट मींस झूठ नहीं बोलना, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस इट मींस आपके कैलिबेसी, ब्रह्मचार्य या फिर नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। तो कौन सा एलिमेंट महावीर जी ने ऐड किया था, ये आप लोगों को याद होगा, मैंने ये एलिमेंट बताया भी था, और बुद्धिज्म जैनिज्म के अंदर यही एक डिफरेंस है कि ये एलिमेंट बुद्धिज्म में नहीं मिलता, जैनिज्म में मिलता है।
माय डियर फ्रेंड, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस इज द राइट आंसर. कैलिब ऐसे ब्रह्मचार्य ब्रह्म आपके महावीर जी ने ऐड किया था, जो कि 24 तीर्थंकर थे. उनसे पहले जितने भी उनके फिलोसफर्स थे या फिर तीर्थंकर थे, उन्होंने ब्रह्मचार्य नहीं बोला था. उन्होंने बोला था कि फैमिली बनानी चाहिए, और फैमिली को भी जो मैरिज है वो बीच में एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं आएगा कि आप अटेन नहीं कर सकते केवल्य. लेकिन ब्रह्मचार्य बोला आपके महावीर जी ने ऑब्जर्व करने के लिए. द ओल्डेस्ट एविडेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर द ड्रिलिंग ऑफ टूथ इन अ लिविंग पर्सन. ड्रिलिंग ऑफ टूथ इट मीन्स आपकी रूट केनाल थेरेपी, उसके एविडेंस कौन से साइट से मिले हैं हमें? आहार से, मेहरगढ़ से, सोन वैली से, मालवा से. आजा आजा सर, अरे आइए सर. दो मिनट लगेंगे बस मुझे. हाँ जी, रूट कैनाल इट मीन्स ड्रिलिंग ऑफ टीथ इन अ लिविंग पर्सन. उस टाइम पर ये सबसे पहले मिला था, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं बता देता हूँ. द राइट आंसर इज मेहरगढ़, एंड मेहरगढ़ इज द प्रीडिसेसर ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन. अच्छे से किया था डिस्कस हमने. चले, द हाइम ऑफ ऋग्वेदा वॉज कम्पोज बाय. ऋग्वेदा के जो जो रिसाइटर्स होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? होत्रीज, उद्गत्रीज, अध्वर्यु या फिर नक्षोत्री? जल्दी से धीरज सर है, धीरज सर, धीरज सर इज हेयर, क्लास होगी, बस जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से. चले, तो माय डियर फ्रेंड, जो ऋग्वेदा के कंपोजर्स थे या फिर जो रिसाइटर्स थे, उनको होत्री बुलाया जाता था, उद्गत्री आपके सोम सामवेद को, और अध्वर्यु आपके यजुर्वेद को. राइट, चलिए याद रखिएगा ये ऋग्वेदा. उद्गत्री, होत्री इज द राइट आंसर. विच गुप्ता एम्परर वॉज एन एक्सपर्ट वीना प्लेयर? लड़ाई के साथ साथ म्यूजिक के अंदर भी अच्छा हाथ था बंदे का. Who is here? Not was. धीरज सर इज हेयर, सब दिखा दो प्लीज बच्चों को. धीरज सर इज हेयर एंड ही इज वेटिंग कि आप लोग फटाफट आंसर दीजिए. जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से, फिर ताकि सर भी फिर कंटिन्यू करें अपनी क्लास को. जल्दी से प्लीज, आई हैव ओनली दिस टू क्वेश्चन लेफ्ट. जल्दी से चलिए. द राइट आंसर इज योर समुद्रगुप्त, माई डियर फ्रेंड. डैट द होमलैंड ऑफ आर्यस वॉज आर्कटिक रीजन. ये किसने बोला था कि आर्कटिक रीजन से आए थे चलकर आर्यंस और इंडिया में आकर सेटल हुए थे? इसके ऊपर मैं एक थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ, तो एक अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री आपको देखने को मिल जाएगी. ये मैं आपके सामने प्रेजेंट भी करूँगा जल्दी से, काफ़ी आई ओपनिंग एंड रिवीलिंग कुछ कॉन्सेप्ट मेरे पास है. चलिए, द होमलैंड ऑफ आर्यस जो आर्कटिक रीजन से आए थे, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक जी ने. ठीक है जी, चलिए बाकी क्वेश्चन मैं करूंगा कल. हालांकि दे लूं सर मैं 5 मिनट और. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टू वर्क्स ऑफ कालिदास? कालिदास की इसमें से दो कॉम्पोजिशन कौन कौन सी हैं, फटाफट से बता दीजिए. रघुवंश या फिर कीरत अर्जुन्य, कुमार संभव एंड रघुवंशा, मालती माधव एंड कुमार संभव, मालती माधव एंड कीरत अर्जुन्य, ये इसमें से कालिदास की कौन सी है? कालिदास ने क्या क्या लिखा था इसमें, फटाफट बताइए. माय डियर फ्रेंड, देखिए रघुवंशा लिखी है कालिदास ने, लेकिन कीरत अर्जुन ने लिखी है आपके भैरव ने. भैरव, भैरवा, ठीक है. और मालती माधव, मैं नाम स्किप कर गया हूँ. इसका राइट आंसर आपका कुमार संभव एंड दी रघुवंशा. कुमार संभव एंड रघुवंशा, ये लिखा है कालिदास ने. ए इज द राइट आंसर. कीरत अर्जुन ने आपके भैरवा ने लिखे. कीरत अर्जुन ने जहाँ जाया वो नहीं है, मालती माधव के भी कोई और ऑथर है. ठीक है, तो कुमार संभव एंड रघुवंशा इज द राइट आंसर.
बी इज द राइट आंसर. यस, ह्यूज सांग किसकी कोर्ट में आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर पुलकेशिन. ह्यूज सांग, सिक्स सेंचुरी. हाँ जी, ह्यूज सांग, उसने कन्वर्ट भी कराया था उस रूलर को, अच्छे से मैंने बताया था आपको. कन्नौज कैपिटल थी उसकी. भूल गए? हर्षवर्धन इज द राइट आंसर. ह्यूज सांग, हर्षवर्धन. इन विच अमंग द फॉलोइंग महाजनपद लॉर्ड बुद्धा अटेन निर्वाण. बुद्धा जी ने अपना एनलाइटनमेंट, इट मीन्स निर्वाण, इट मीन्स फुल नॉलेज, कहाँ पर अटेन की थी? अंग में, मगध में, मल्ला में, वत्स में. हाँ जी, यस माय डियर फ्रेंड, मगध में, पक्की बात है? बोध गया में अटेंड की थी ना, बोध गया आपके मल्ला, मल्ला का प्लेस था. मल्ला क्या था? एक महाजनपद था, 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था मल्ला, जो कि मॉडर्न डे बिहार में है. ठीक है जी, मल्ला निर्वाणा बोध गया, सभी को मालूम है. चलिए, डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो. और क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है सर. दस मिनट बाद क्लास लगेगी आपकी, धीरज सर की. आप जब तक पानी वगैरह पी लीजिए, मोबाइल चार्ज वगैरह कर लीजिए अपना. यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो. जय हिंद, जय भारत.